प्लीज एक एक करके जब अपनी अपनी बारी पर मैं आ जाऊंगी आपके पास दोबारा। डरने की बात कर रहे हो जी रोमाना जी जी, अगर इनमें साहस होता दूसरों को कह रहे हैं डर रहे हो, अरे भैया डर तो तुम रहे हो। विपक्ष हमेशा सदन की कार्रवाई का पहले से ही नोटिफिकेशन जारी होता है, आप तो लोकतंत्र में आस्था रखते नहीं हो। ये सदन चल रहा है क्या, ये नई परंपरा शुरू करने वाले हैं आप? ठीक है, जीरो आवर होगा ना क्वेश्चन आवर होगा, ठीक है, ये भविष्य के लोकतंत्र के मंदिर की क्या ये शुरुआत है? क्या इसी व्यवस्था में चलेगा ये क्या कर रहे हैं आप संसद का चरित्र बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं, बिल्डिंग तो बदल दिया लेकिन कई दिनों तक रहोगे यार, छह चार महीने के डेरा है इस नए संसद में, उसके बाद तो फिर नया सवेरा उगेगा देश का इसमें। ठीक है अखिलेश जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन माधव आनंद का ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ हाँ। मैं जफर भाई आपके पास भी और विजय जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे अपनी बारी का। माधव जी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, आपको क्या लगता है ऐतिहासिक फैसला या आपके मन आपको लगता है इस बारे में कदम उठाना चाहिए? रुमाना जी आगाज बहुत ही फैबुलस था और जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्व के महानतम नेताओं में से जो गिना जाता है वैसे ही नहीं गिना जाता है। आज विपक्ष क्या सोच रहा था, यही कांग्रेस जो रोंदू पार्टी है जो हमेशा रोने का ही काम करती है और हमेशा से कहती है कि मोदी जी जो है ना अपनी प्रशंसा करेंगे, आज अखिलेश जी क्या पूरा भाषण नहीं सुने क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेके अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबका गुणगान करने का काम किया, जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने जो किया, जितने भी स्पीकर हुए हैं सबका नाम लिया, जो स्टाफ हैं उसका भी नाम लिया, सबको उन्होंने धन्यवाद देने का काम किया। इनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है, अब उस खुशी में भी अपने उनको दुख हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस अलायंस का और इस पार्टी का क्या हो सकता है। अब आपने कहा कि क्या होने जा रहा है, क्या करना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, भारत को विकसित बनाना चाह रहे हैं, डेवलप। आपके टाइम में एलडीसी कंट्री में इंडिया गिना जाता था, लिस्ट डेवलपिंग कंट्री, अखिलेश जी लिस्ट डेवलपिंग कंट्री, आदरणीय मोदी जी ने डेवलपिंग कंट्री बनाया और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है और पूरे देशवासियों को वादा किया है कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जिस दिन हो जाएगी तो आप विकसित राष्ट्र में भी गिने जाएंगे, मोदी जी की परिकल्पना ये है। आप हमेशा रोने का अच्छे अवसर पर भी रोते हैं, अरे जनता आपको इसने रोंदू पार्टी कहना स्टार्ट कर दिया है, आप हमेशा रोते ही रहते हैं, अरे अच्छी चीज में ऐतिहासिक दिन है, जश्न का माहौल है, इतने पुराने वर्षों से हम लोग पुराने संसद को देख रहे थे, नया संसद बनाना है सबके लिए, इसमें रोने का काम मत कीजिए, जश्न मनाइए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम। ठीक है जी अनुराग भदौरिया जी आप ही आइए सर, वो कह रहे हैं कि साहब ये जश्न का मौका है, जश्न मनाइए। देखिए पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।